गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी तो घड़ी में 8:30 बज गए हैं। सुबह सुबह नहा लिया और लक्ष्मी जी का पूजा था, आज पूजा भी हो गया है, लेकिन अभी तक सुबह नहीं हुआ जीव का और जीव का पापा का। जीव का सुबह हो गया है, जीव बाथरूम में है, हाथ मुंह धो रहा है, फ्रेश हो रहा है, और उसका पापा अभी भी नींद में है। तो मैं ठीक किया हूँ कि कल सुबह 4 से अच्छा है आज शाम 4 बजे जाना, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग उठना और जाना और बहुत हैरान हो जाऊंगी। और जीव का पापा भी सारा दिन स्कूल करेंगे, वो भी बहुत हैरान हो जाएंगे, रेस्ट नहीं उसको मिलेगा। तो इसलिए मम्मी नीचे जाने का तैयारी कर रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फ्रेश हो गया हो? ठीक है, वो रख दो, बैग में रखना है। हाँ ठीक है, मैं रख देता हूँ ठीक जगह पर। हाथ मुँह पोछ लो, चलो नीचे चाय पीना है। हाँ ये देखो 9 बज गई है, सब बंद है ना खिड़कियाँ, और तुम्हारा बेटे भी मुँह धो लिया है। चलो तुम भी फ्रेश हो जाओ, एक साथ चाय बनाना है। खिड़कियाँ बंद है ना, इसलिए उसको अंधेरा नज़र आ रही है, लग दे है अभी भी रात है, रात नहीं सुबह हो गई है। चलो पंखा ऑफ कर देते हैं। सारा रात कंटिन्यू बारिश हुआ, एक मिनट बारिश नहीं थमे है, इतना बारिश। मैंने तो सोचा कि हमारा जाना ही बंद हो जाएगा। तो चलिए अब चाय बनाते हैं, सुबह तो शुरू हुआ। और जीव का पापा तो अभी हाथ मुंह धोएगा, फिर बहुत सारा काम है, घर जाना है, इसलिए सब कुछ तैयारी करना है, नहीं तो ये भूल जाऊंगा, वो भूल जाऊंगी, ये करके ये रख दूंगा, तो तैयारी अभी से चलाना होगा। आओ चलो, दादी नीचे में है। ये देखो भीगा हुआ सब चीज़ घर पर, वो तो रखे थे, अभी उसको थोड़ा सा धूप नहीं है, आसमान थोड़ा सा साफ लग रहा है, इसलिए मैं इसको बाहर में हवा में देंगे। मम्मी नीचे में चाय बना रहे हैं, मेरा और मम्मी का चाय पीना तो हो गया है, लेकिन वो दोनों बाकी है। पापा तो बाज़ार गया है, बाज़ार में कुछ सब्जियां खरीदने गए हैं। उतरो वहाँ से, उतरो। राखी पहनना है ना, स्टार्ट जंप। चलो दादी को बुलाओ। तो फ्रेंड्स आप तो जानते हैं आज रक्षाबंधन है, तो इसलिए मम्मी जीव को राखी पहनाएंगे, तो वो बहुत छटपटा रही है, उसको बैठने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन वो नहीं बैठता है। तो चलिए राखी उसको पहनने के बाद तो खाना दाना लंच का टाइम हो जाएगा, अभी तो 12:30 बज गई है। तो मिठाई दो नहीं, हाफ खाना है आपको, पहले राखी को बांधने दो, उसके बाद चावल खाना है, ठीक है? अभी हाफ खाओगे। ये देखो स्प्राइट तुम्हारे लिए, देखो देखिए।
लो। छोड़ दो छोड़ दो, ठंडी है ना, ठंडा लग जाएगा। चल छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। नहीं खाए तो थोड़ा सा खाओ, चावल खाना है। एक बज गए ना, बस में जाते जाते खाएंगे, इसलिए मैं नहीं खाया। दादी को दे दो, अभी दादी को दे दो। ओ दो 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 दो। चलो क्या हुआ, जीव तो राखी बांध लिए मम्मी के हाथ में, तो थोड़ा सा काम है, वो काम मुझे करना चाहिए, मम्मी से अकेला नहीं होगा। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप तो देखे हैं ये लाकी बैम्बू पेड़ मेरा कितना बड़ा हो गया, मम्मी ने जतन करके करके इसको बड़ा कर दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मम्मी बोल रहा है ये जो इसका रखने का जगह है ना, ये थोड़ा सा चेंज कर दो, इसमें पानी ज़्यादा हो, ऐसा ही कोई जगह दो। ये जो टॉप है ना, ये टॉप पे मेरा क्रसुला था, लेकिन क्रसुला बैटलाक वो मर गए है, वो अभी तक मेरा नहीं रहा। इसलिए मैं ये बात जब फ़ोन पर सुना ना, तब सचमुच मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करें, मेरा मम्मी का तबीयत ख़राब थी, उसको जतन नहीं कर पाया 10 दिन तक, इसलिए वो अभी तक नहीं रहा। तो चलिए बैम्बू को तो ठीक से रखना है, तो मम्मी बोला है, इसलिए मैंने ये छोटा सा गमली खरीद कर ले आया है, तो इसको अभी चेंज कर देंगे। आज तो 4 बजे चले जाएंगे, 2-3 घंटे मेरे पास समय है, तो इसमें ये 2-3 घंटे के अंदर मुझे बहुत काम निपटाना है, तो चलिए इसको अभी चेंज करते हैं। ये देखो मेरा बैम्बू फिर सेट हो गया अच्छे से, और जगह भी बड़ा हो गया। चलिए ओके ठीक है, एक बड़ा काम हुआ, नहीं तो भूल कर चले गए तो वहाँ पर मुझे बहुत अफसोस होगा। तो चलिए अभी नीचे में जाते हैं, बहुत सारे काम बचे हैं। तो ये सब तैयारी चल रहा है, देखो कितना चीज़ अभी बाकी है। तो बैग के अंदर मम्मी डाल रहे हैं, जू तो अभी खड़ा है। चलो ये मैक्सी बाकी थे, इसको भी डाल देना। पानी गिर जा रहा है अभी, आसमान का हालत तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है, लगता है अभी भी बारिश होगा, कल का सारा रात कंटिन्यू बारिश हुआ। ये देखो अभी तो मेरा बैग रेडी हो गया, घड़ी में तो बज गए हैं 3:15, तो 3:30 बजे एक गाड़ी है, उसमें हम जाएंगे, रोड में उतरेंगे, रोड से फिर एक बस चेंज करेंगे। तो जीव तो अभी रेडी हो रहा है, तो चलो घूमना हो गया, फिर काम काम शुरू हो जाएगा कल से। तो निकल पड़ा, बस का टाइम हो गया है, तो चलो जाते हैं। मम्मी का तो बहुत मन खराब हो गया है। ये गढ़वता कॉलेज है, देखिए हम बस में है ना, जीव का पापा का कॉलेज।
रास्ते गढ़बता बस स्टैंड भी पहुंच गए हैं, तो चलो चलते हैं। तो अभी जीव का पापा थोड़ा सा बाथरूम गए हैं, तो हम 7 बजे घर पहुंच जाएंगे, तब आपसे बात करने का फुर्सत भी नहीं मिलेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स यहाँ तक, कल फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे घर पर। थैंक यू, गुड बाय।